छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि स्पेशल प्लान से सीआरपीएफ की टीम कल आई है। ईडी के बड़े बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी की चेकिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े बक्से उतरे हैं, साधारण यात्रियों की भी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो पा रही है। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि उनके वाहनों की भी चेकिंग होनी चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि बीजेपी हार मान चुकी है और यह आखिरी दाव है। इसके साथ ही सीएम बघेल ने ब्रजमोहन के बयान, योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चलाने को लेकर भी बयान दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ और कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम आ चुकी है, कल ईडी के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी गाड़ी करके इन वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही। बड़े बड़े बक्से उतरे हैं, साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है, हम लोग हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। ईडी आए, जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनुवाद।